शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज मेरे कन्हैया का जन्मदिन है प्रभु, उस पर सदा अपनी दया दृष्टि रखना, उसे किसी चीज की कमी ना हो प्रभु, दुनिया के सारे सुख देना उसे। बेटे तू यहाँ खेल में लगा हुआ है और वहाँ तेरा दूध पड़ा पड़ा ठंडा हो चुका, चले प्रसाद खा ले जल्दी। और एक मिनट माँ, मेरी डोर उलझी हुई है। अरे भगवान तेरी जीवन की डोर को सदा सुलझाए रखे, चल छोड़े मांझा मांझा। अरे ये क्या कर दिया माँ, मैं आ रहा हूँ। नहीं पहले दूध, इतनी बार कहा तुझसे मैंने, लेकिन एक तू है कि सुनता ही नहीं। तूने ये ठीक नहीं किया, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, चल बैठ। तूने सारा मजा बिगाड़ दिया। हाँ तो बिगाड़ दिया, रोज एक ही तो बात करती हूँ ना तुझसे, पहले दूध फिर खेल कूद। चल फिर 20 पैसे लगेंगे। किस बात के भाई? दूध हजम करने के। समझी, तो तू मुझसे फिर पतंग खरीदने के लिए पैसे मांग रहा है ना? जरा अपनी उंगलियों की हालत तो देख, मांझे से किस तरह कटी हुई है। मेरे पास जानलेवा खेल के लिए कोई पैसे नहीं है, सुन ले तो अच्छी तरह। हाँ अनाज तो नहीं है। अरे क्या हुआ कन्हैया? क्या पता है लड़का क्या करते रहता है। कन्हैया, हे भगवान, क्या हुआ, क्या हुआ बेटे, आगे खोलो। अरे अरे कोई है, मैं क्या करूं। 20 पैसे दे दो। क्या, जल्दी से दे दो वरना फिर बेहोश हो जाऊंगा। अच्छा मैं समझ गई, तो फिर ये तेरा कोई नाटक था। खैर जा बदमाश, अभी कबड्डी 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 मेरी से जाने निकल गई थी। कन्हैया कबड्डी, माँ के साथ कबड्डी खेलेगा, तुझे शर्म नहीं आएगी? बहुत बेशर्म हो गया है, मेरे तो क्या क्या है लड़का, बहुत हट चढ़ गया। देख कन्हैया, तू पकड़ा गया ना तो बहुत मारोगे। बेटे मत करो, अरे हमको नहीं छोड़ती तुझे। खैर जा, अब कहाँ भागेगा तू? हाँ अब बोल, अब मैं खेलूँ कबड्डी तेरे साथ। ये ले कबड्डी, ये ले कबड्डी। पैर पड़ता हूँ। हाँ शैतान कहीं का, कबड्डी खेलेगा तू मेरे साथ। कबड्डी कबड्डी, चल बैठ। आज पूरे 9 साल का हो गया है फिर भी शरारत की आदत नहीं गई, चल उठा ग्लास पी जल्दी। 20 पैसे दो ना। नहीं मानेगा तू? अच्छा बाबा मैं दे दूंगी 20 पैसे, चल जल्दी कर कन्हैया, आज तो बहुत देर हो गई। वहां जमींदारनी जी मेरी जान को चिल्ला रही होगी। अरे ओ शारदा, चाय के अगले जन्म में ले आएगी? ले आई मालकिन, बड़ी मेहरबानी की। मेहमान घर में हो तो नौकर को चाहिए घंटा आधा घंटा जल्दी आ जाए, लेकिन ये तो जानबूझ के देर से आएगी। भूल हो गई मालकिन, मैं माफी चाहती हूँ। बस बस रहने रे तेरी लल्लो चप्पो, उठा कर ले जा सारे बर्तन यहाँ से। अब क्या बताऊं भाई साहब, सोचा था बेचारी विधवा है, एक बच्चे की माँ है, कैसे गुजर करेगी। अब देखिए ना, मैं बेचारी सुबह से रसोई में काम कर रही हूँ और ये महारानी 9 बजे काम पर आ रही है। कलयुग है शांति बहन, कलयुग, आजकल दया धर्म का जमाना ही नहीं रहा। सच कहते हैं भाई साहब, न जाने दुनिया भर की मुसीबत मेरे ही गले क्यों पड़ी थी। ले चाय लेकर आ। ये क्या किया तूने, हाथ टूट गए थे क्या? नहीं मालकिन, वो केतली बहुत गर्म थी। केतली बहुत गर्म थी? अरे इतने ही ज्यादा नाजुक हाथ थे तो हाथों में मेहंदी लगा के घर पे बैठना था ना, तुम बस सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। अब टुकड़ टुकड़ कर इधर क्या देख रही है, जल्दी से टेबल साफ करना। आइए बहन जी, आइए भाई साहब, कमबख्त कहें की। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ बेटी, जेवर एक बार गिरवी गया तो ब्याज के चक्कर में ऐसा चक्कर खाता है कि घर जाने का रास्ता ही भूल जाता है। मेरी सलाम मानो तो ऐसे तुम बेच दो, मैं तुमको इसके अच्छे पैसे दूंगा। नहीं नहीं लाला, ये हार मेरे गुजरे हुए दिनों की, अनमोल रिश्तों की सुनहरी लड़ी है।
और रिश्ते कभी बेचे नहीं जाते। ये मेरी माँ की निशानी है। जरूरत न होती तो मैं इसे कभी अपने से अलग न करती। विश्वास रखिए लाला जी, मैं जल्द ही आपके पैसे चुकाकर इसे छुड़ा ले जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। बोलो कितने रुपए चाहिए? बस 30 दीदी जी। बस? अरे बेटी, एक ही एक तो बेटा है और फिर साल में एक बार ही तो जन्मदिन होता है, उसमें क्या कंजूसी करना। 50 ले जाओ। नहीं नहीं लाला जी, मुझे पैसे वापस भी तो करने हैं, 20 ही काफी है। ठीक है, तो यहाँ पर अंगूठा लगाओ। बेटी, मैं पहले भी तुम्हें कई बार समझा चुका हूं, इन दवाओं से तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम तो मिल सकता है, लेकिन बेटी ये सिर्फ एक धोखा है। तुम शहर क्यों नहीं चली जाती? वहां बड़े बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जहां तुम्हारा इलाज हो सकता है, और वो भी बिना किसी खर्च के। मेरा कहा मानो बेटी, अब इस मामले में देर ना ही करो तो अच्छा है। देख, इस हालत में काम पर जाना ठीक नहीं, जा घर जाकर आराम कर। शारदा, ए शारदा, जा, तुझे मालकिन बुला रही है। मालकिन, आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ, वो टेबल पे पैसे रखे हैं, जा बेटी ले ले। जी। मालकिन, वो बर्तन के पैसे। अरे तेरी तनख्वाह ही कितनी है, फिर वही छोटा मुंह बड़ी बात, चल जा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तू तो जोर से हाथ चला, काम की ना काज की दुश्मन अनाज की। वैद्य काका, क्या बात है? अजय, तेरी माँ। माँ? क्या हुआ माँ को?
माँ, क्या हुआ तुझे? माँ तू बोलती क्यों नहीं? देख माँ, माँ आया हूँ। माँ तेरा कन्हैया, तू बोलती क्यों नहीं? माँ आंखें खोल, देख मैं हूँ कन्हैया। कन्हैया अब तेरी माँ नहीं है बेटे, नहीं। तू मुझसे लूट गई ना, मुझे माफ कर दे। मैं तुझसे पैसे नहीं मांगूंगा, मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा, मैं रोज दूध पी लूंगा। माँ तू मुझसे बोल ना। माँ तू बोलती क्यों नहीं? नहीं माँ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ नहीं। क्या है मैनेजर? अरे बात क्या, ये तो सीधी हमारे पेट पर लात है। क्या मतलब? मतलब श्रीमान जी, आपके गांव ने तो इस अनाज से मुंह मोड़ लिया। मोड़ लिया ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे दिल के द्वार तो इसके लिए हमेशा खुले हैं और हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप इस अनाथालय का द्वार क्यों बंद कर रहे हैं? आप ही बताइए ना, है? आपको इस चारदीवारी में कोई खेत नजर आ रहा है? जी खेत नहीं, तो कोई चक्की नजर आ रही है? नहीं साहब, कोई चक्की नहीं। तो फिर ये 80 और 7 87 अनाथों का पेट कैसे भरेगा? अकेला ट्रस्ट कितनी सहायता करेगा, कितनी करेगा? समझा, मैं अपनी तरफ से कुछ भेंट कर सकता हूँ? भला पुण्य के काम में मैं अपना मुंह खोल कर पाप का भागी बनूंगा? लीजिए सत्यानाश। धन्यवाद। मैनेजर साहब जी, मैं गांव की तरफ से गेहूं और चावल भी भिजवा देता हूं। आप धन्य है, धन्य है श्रीमान, मगर जरा जल्दी भिजवाइए। आप चिंता न कीजिए, जरूर। हाँ। अच्छा बेटे, मैं चलता हूं। हुँ? अब यही तेरा घर है। इकलौतों के पागल खाना, यह कन्हैया तुहार सबका नवा साथी, एकर स्वागत करा। कोनो बात नहीं, जा वहां जाके बैठ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठो बच्चो, बैठो। अरे ये तो खड़े ही नहीं रहे। ए बिल्ला के बच्चे, तुझे हजार बार कहा है कि क्लास में कचरा मत करो, ये कचरा कौन मेरा, तेरा बाप उठाएगा? नहीं मास्टर जी, ये मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, फेंक दे इसे कचरे के डब्बे में। पाजी कहीं का जबान लड़ाता है मास्टर जी के साथ। हाँ तो बच्चो, आज हम हरिओ जी की कविता सुनेंगे और पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सच्चे वीर। हाँ तो बच्चों, आओ जी क्या कहते हैं सुनो। संकटों की तप करे परवाह क्या, हाँ संकटों की तप करे परवाह क्या,